सैफ अली खान के बर्थडे के मौके पर उनकी अपकमिंग फिल्म लाल कप्तान का टीजर रिलीज किया गया, जिसमें सैफ अली खान जबरदस्त अंदाज में दिखाई दे रहे हैं। टीजर में सैफ अपने चेहरे पर राख मलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें सैफ का एक्सप्रेशन कमाल का दिख रहा है। सुशांत सिंह राजपूत ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक फनी वीडियो शेयर किया है। वीडियो में सुशांत ने अपने को स्टार नवीन पॉलिशेट्टी के साथ शाहरुख खान के गाने कोई मिल गया की धुन पर नाचते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने वीडियो के कैप्शन में लिखा, दो छिछोरे। आपको बता दें, सुशांत बहुत जल्द अपनी अगली फिल्म छिछोरे में नजर आएंगे। बॉलीवुड की सुपरस्टार सलमान खान इस समय अपनी अपकमिंग फिल्म दबंग 3 की शूटिंग में बिजी हैं। सलमान खान ने अपने फैंस के लिए सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो से साफ समझा जा सकता है कि कैसे झमाझम बारिश के बीच सलमान खान की फिल्म दबंग 3 की शूटिंग चल रही है। बॉलीवुड एक्टर आर माधवन अपनी एक तस्वीर के चलते काफी ट्रोल हो रहे हैं। माधवन ने अपने बेटे और पिता के संग एक फोटो शेयर की थी, जिसके बैकग्राउंड में क्रॉस रखा नजर आ रहा है, पर लोगों को ये पसंद नहीं आ रहा, जिसको लेकर लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया। माधवन ने भी ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया है। जॉन अब्राहम की फिल्म बैटला हाउस बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। फिल्म ने अपने रिलीज के पहले दिन 15 करोड़ की कमाई की, तो वहीं दूसरे दिन फिल्म ने उससे आधा लगभग 8 करोड़ की कमाई की है। फिल्म दिल्ली में हुए चर्चित एनकाउंटर बैटला हाउस पर बेस्ड है।